अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एमबीए और एमकॉम इंटर्नशिप का किस तरीके से कर सकते हैं और इंटर्नशिप रिपोर्ट कैसे बनानी है और अगर इंटर्नशिप की फ़ीस है वो किस तरह से पे करनी है, वो सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। और अगर आपको इलामिक बालोपन यूनिवर्सिटी से कोई भी इशू पेश आ रहा है कि आपका एडमिशन का, एनओसी का या कोई भी है, या फीस रीअपेयर या डिग्री फॉर्म, सारी वीडियो AIOU इन्फो चैनल पर आपको अवेलेबल हो जाएंगी। फिर भी अगर आपको कोई इशू है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स इस्तेमाल करते हुए जस्ट आप कमेंट लिखेंगे और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी एज सून एज पॉसिबल। तो इंटर्नशिप के मैनुअल के लिए, इंटर्नशिप मैनुअल MBA, जस्ट मैं इस वीडियो में MBA का आपको बताऊंगा कि आपने जो है वो इस तरीके से ओपन कर लेंगे, उसके बाद इसको डाउनलोड कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और ये मोस्टली इनका जो है वो तकरीबन सेम ही होता है, इंटर्नशिप मैनुअल प्रोग्राम MBA का और जैसे बाकी डिपार्टमेंट का भी इससे मिलता जुलता होगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा। पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं कि MBA फाइनेंस बैंकिंग मार्केटिंग और MBA IT करवा रहे हैं और 6 वीक्स करवा रहे हैं। तो आपने 6 वीक्स से 8 वीक्स इंटर्नशिप करनी है, पीरियड 6 से 8 वीक्स हो जाता है। उसके बाद ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में MBA कर रहे हैं तो नॉन कंपल्सरी क्वालिफाइड जो 15 क्रेडिट आवर्स होते हैं उनके इक्वल होगा, ठीक है। इंटर्नशिप जेन्युइन अंडरटेकिंग अप्लाई फॉर इंटर्नशिप नॉलेज एंड प्रैक्टिस, पहले आपने अंडरटेकिंग देनी होगी, ठीक है। उसके बाद आपने प्रैक्टिस करनी होगी, इंप्रूव योर स्किल्स, उसके बाद इंप्रूव योर राइटिंग कंटेंट, उसके बाद ऑब्जर्वेशन आपने करनी होगी किसी भी जॉब से जो कि कोई भी जॉब हो सही है उससे रिलेटेड। सिलेक्शन ऑफ द, यानी कि आपने सबसे पहले सिलेक्शन करनी होती है कंपनी लिस्टेड अंडर स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज की जो कंपनीज होती हैं आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे मेपल लीव सीमेंट फैक्ट्री है, बैंकिंग सेक्टर है, ये तमाम स्टॉक लिस्टेड हैं। उसके बाद ब्रोकरेज हाउसेस, उसके बाद आप स्मॉल इंडस्ट्री NGOs और ट्रेनिंग स्कूल, सॉफ्टवेयर हाउस वगैरह कुछ भी आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। वर्किंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, 8 वीक्स ऑर्गेनाइजेशन में आप गुजारते हैं, उसके बाद पहले उन्हें अंडरटेकिंग देते हैं कि आप MBA कर रहे हैं और आप जो है वो इंटर्नशिप यहाँ पर करना चाहते हैं, उसके बाद उनसे अंडरटेकिंग पर साइन करवाते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी तमाम जो है वो डिग्रीज वगैरह उनको देते हैं फोटो कापीज ताकि वो अपना प्रूव कर सकें। उसके बाद आप डिपार्टमेंट से लेटर इशू करवा के आप वहाँ पर जाते हैं। फोकस ऑफ वर्क, यानी कि आप फोकस ऑफ वर्क करते हैं, उनके काम में दखल अंदाजी नहीं करते हैं लेकिन उनसे अगर काम सीखने की कोशिश करते हैं और वर्क करते हैं। प्री इंटर्नशिप रीडिंग, यानी कि वो जो प्री इंटर्नशिप रीडिंग है, वो जो इंटर्नी आपको, जो एज इंटर्नी आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देते हैं जिनको रीड आउट करें, जिसमें वो अपनी जो है वो गाइडलाइंस देते हैं, प्रो एंड कॉन्स देते हैं कि क्या करना है आपने और क्या नहीं करना। वर्क प्लान, यानी कि आपने अपना वर्क प्लान भी बनाना है, इसमें आप जो है वो कोशिश करोगे अपना जो है वो तमाम लिस्ट डाउन कर लोगे, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टाफ, गेटिंग एंड ओरिएंटेशन, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन, विजिटिंग डिफरेंट सेक्शन, कंट्रोलिंग, उसके बाद ये आपने तमाम जो है ये उनको दिखा देंगे जिसके थ्रू आपका इंटर्नशिप करोगे, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ रिपोर्ट, यानी कि आपने उसके यानी कि इंटर्नशिप करने के बाद और इंटर्नशिप के ड्यूरिंग अपनी एक रिपोर्ट बनाओगे जो मिनिमम 100 से 150 पेजेस की होगी। उसके बाद फ्रॉम द रिपोर्ट नॉट इवेल्यूएटेड बाय थिंकनेस बट द क्वालिटी ऑफ एसेंशियल इज एनालिसिस द रिकमेंडेशन, यानी कि आपने उसके ऊपर पेजेस पर वर्क नहीं करना, आपने उसकी क्वालिटी के ऊपर वर्क करना है, ठीक है। आप बेसिक 100 पेजेस की रिपोर्ट हो लेकिन वो 100 पेजेस की रिपोर्ट क्वालिटी बेस्ड हो, नॉट क्वांटिटी बेस्ड। मेन बॉडी ऑफ रिपोर्ट 4 सेक्शंस जो होंगे, उसके बाद पहला इंट्रोडक्शन में बैकग्राउंड ऑफ स्टडी आप लिखोगे, बैकग्राउंड यानी कि आपने के जहन में ये जॉब से रिलेटेड इन्फो कहाँ से आई है, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हो तो ये ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से है, पर्पस ऑफ स्टडी यानी कि आप किन वजूहात की बिना पर ये स्टडी कर रहे हो, यानी कि यहाँ पर काम करें, स्कोप ऑफ वर्क जो आप काम करें इसका फ्यूचर में क्या स्कोप है, या आप क्या इसका स्कोप है। उसके बाद मेथडोलॉजी, यानी कि आपने जो मेथड्स अडॉप्ट की हैं जॉब्स के ड्यूरिंग, स्कीम ऑफ रिपोर्ट यानी कि आपकी रिपोर्ट की स्कीम किस तरह की है, आपने अपनी पहले चैप्टर, दूसरे चैप्टर, तीसरे, चौथे में क्या एक्सप्लेन किया है, रिव्यू
रिव्यू अगर आपने देना है तो आप ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर, अगर एमसीबी है तो रोल ऑफ बैंकिंग वगैरह से रिलेटेड आप रिव्यू दे सकते हो। ठीक है, एनालिसिस में आप डाटा एनालिसिस कर सकते हो, जिसमें आप डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस और इससे से रिलेटेड जैसे कोई भी आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ी है तो आप किस तरीके से उसको आइडेंटिफाई किया है, प्रॉब्लम को ढूंढ रहा है, प्रॉब्लम को एक्सप्लेन वगैरह करना इसमें शामिल है। फाइंडिंग एंड रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन में आप जो है वो उसको ये प्रोवाइड करते हो कि अब ये प्रॉब्लम थी, ये हमने सोल्यूशन ढूंढे, ये प्रॉब्लम के सोल्यूशन मिले हैं और ये रिकमेंडेशंस हैं। कम्पलीटिशन ऑफ ट्रेनिंग रिपोर्ट, यानी कि आप जो कम्पलीटिशन हो गए ट्रेनिंग की रिपोर्ट जो है वो कंप्लीट करोगे और अपने ऑफिस से एक लेटर इशू करवाओगे जिसमें आपका कम्पलीटिशन के लिए वो आपके रिकॉर्डिंग कुछ लिखेंगे, कुछ मेंशन करेंगे। फ्रेमवर्क जो रिपोर्ट का होगा वो टाइटल पेज, और ये तमाम जो है ये आपको मैं सामने अभी शो कर रहा हूँ बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही होगा, इसकी पेज नंबरिंग वगैरह बिल्कुल सेम होगी। ठीक है, इसको आप रीड कर लोगे मैनुअल को, डिपार्टमेंट जो है वो आपको ये बाय हैंड भी प्रोवाइड कर देगा, एंड में अपने रेफरेंस वगैरह आप देना चाहो दे सकते हो, और इसका प्लेजरिज्म वगैरह चेक होगा तो बरए मेहरबानी किसी और का कॉपी करने से पहले ख्याल करोगे आप। अमेरिकन फिलासफर एसोसिएशन एपी जो इसका फॉर्मेट है बिल्कुल यही होगा, जनरल रूल्स जो हैं वो इसका यहाँ पर, उसके बाद एक्सप्लेन यानी कि आपने रेफरेंस इस क्राइटेरिया से फिल करने हैं। ठीक है, फिल करने के बाद अच्छा उसके बाद जो है वो आपकी ये रिपोर्ट जो है इसी तरीके से आप बनाओगे, ब्रोशर वगैरह अगर आपके हैं वो साथ अटैच कर दोगे, उसका मार्क्स तो नहीं होंगे लेकिन वो आपको फ़ायदा देगी। इसके बाद आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट जो है वो इस रिपोर्ट के अंदर में तमाम जो है वो आपको अवेलेबल हो जाते हैं। फिर भी अगर कोई आपको इश्यू हो रिपोर्ट के अंदर तो आपने जो है वो कमेंट करोगे और वो जो है वो आपको जो है एज सून एज पॉसिबल। अच्छा, एक मेन चीज़ ये है कि पेज फॉर्मेटिंग, A4 पर आप प्रिंटिंग करवाओगे 75 ग्राम जो है आप इस्तेमाल कर सकते हो, 70 ग्राम इस्तेमाल नहीं कर सकते, या फिर 80 ग्राम करो, अच्छा पेज करो। टाइम न्यू रोमन सेटिंग रखोगे, जस्टिफाई रखोगे, अलाइनमेंट उसके बाद 3 सेंटीमीटर अराउंड, उसके बाद बाकी जो है अलाइनमेंट, पेज नंबर, वो सारे यहाँ पर जो है वो टाइटल्स दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद जो है इंटर्नशिप रिपोर्ट, रिपोर्ट का जो फॉर्मेट है उसका जो है वो फर्स्ट लुक इस तरह से होगा, ऑर्गेनाइजेशन स्पेशलाइजेशन आपकी जिसमें होगी वो यहाँ पे चेयरपर्सन का नाम, रोल नंबर और अपने सारी डिटेल फर्स्ट पेज की बिल्कुल एग्जैक्ट होगी। बाकी रिपोर्ट की जो फॉर्मेटिंग है वो आपके सामने है, इसी तरह फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, और जैसे ये मैं नीचे करता जा रहा हूँ, और इंटर्नशिप रिपोर्ट जो है बिल्कुल एग्जैक्ट, इसको आप जस्ट रीड कर लोगे वीडियो स्टॉप करके तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, और इसके बाद आपने स्वॉट्स एनालिसिस भी करना है लेबर। अच्छा, इसमें थोड़ी सी मैं चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको मे बी इशू आ रहा होगा। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, यानी कि स्ट्रेंथ्स क्या है कंपनी को, अगर कोई कंपनी काम कर रही है तो उसकी स्ट्रेंथ्स क्या चीज़ है, स्ट्रेंथ उसके वर्कर्स हो सकते हैं, स्ट्रेंथ उसकी रॉ मटेरियल, स्ट्रेंथ उसके लिंक्स हो सकते हैं, वीकनेसेस क्या हैं उनके, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, और थ्रेट क्या है, थ्रेट जो है वो उनके कंपेटिटर से हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन से, ये आप एनालिसिस उसका स्पॉट्स एनालिसिस कर सकते हो, लेबर रिलेशनशिप कर सकते हो कि वो किस तरीके से है, ये भी रिपोर्ट में मेंशन कर दोगे इसके ज़्यादा मार्क्स। अच्छा, उसके बाद जो है ना वो आप जस्ट एक मिनट, इसको इसी तरीके से आप रिपोर्ट को पूरी को रिव्यू कर लोगे और एंड में अपने टाइटल वगैरह जो सॉरी अपेंडिक्स वगैरह है वो दे दोगे और साथ लेटर वगैरह अटैच कर दोगे तो इसकी फॉर्मेटिंग बिल्कुल एक्जैक्ट ऐसी होगी, एमबीए की रिपोर्ट आपकी सबमिट हो जाएगी। होपफुल दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर यू, प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलना।